हरियाणा के अंदर बीजेपी का जन्म हुआ, जिसने दिल्ली की तरह हरियाणा में भी बदलाव के लक्ष्य को सामने रख करके खास तौर से हरियाणा के युवाओं का आह्वान किया कि अगर दिल्ली बदल सकती है तो हरियाणा भी बदल सकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के अंदर लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले जिंद का उपचुनाव घोषित हुआ। जिंद के उपचुनाव में जेजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया। आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया कि आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी और जेजेपी को सहयोग करेगी इस चुनाव में। और हमने देखा कि आत्ममुग्धता की शिकार कांग्रेस पार्टी ने अपने सबसे बड़े सिपहसालार को जिंद के चुनाव में उतारा, लेकिन हरियाणा के अंदर युवाओं के दिलों में कुछ और फड़क रहा है और हरियाणा के युवाओं ने जिंद के अंदर इस बात को सरेआम अपने तरफ से घोषित किया कि हरियाणा का युवा बदलाव चाहता है, हरियाणा जो अब तक परंपरागत राजनीति है उससे मुक्ति चाहता है, हरियाणा भी देश के साथ कदम से कदम मिला करके नए लक्ष्य को पाना चाहता है और वहां पर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया। सत्ता पक्ष के दुरुपयोग और तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी वहां पर आज जिंद ने दिखाया कि हम जेजेपी और आम आदमी पार्टी की अगर ताकत मिले, क्योंकि वो तात्कालिक सहयोग था हम लोगों का, और उसको ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी और जेजेपी ने लोकसभा चुनाव के अंदर मिल करके हरियाणा के अंदर एक विकल्प देने का निर्णय लिया है। हरियाणा के अंदर आज कांग्रेस खंड खंड विखंडित है और ऐसे में आम आदमी पार्टी और जेजेपी का एक आपसी तालमेल और गठबंधन जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी घूम रही है वो सारी सीटें जीत रही है। जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हरियाणा का युवा उस बदलाव के मुहाने पर इस गठबंधन की मसाल को लेकर के आगे बढ़ेगा और इसे पूरा करेगा। हमने जो निर्णय लिया है कि लोकसभा चुनाव में जेजेपी 7 सीटों पर अपना उम्मीदवार घोषित करेगी और 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित करेगी। कैंडिडेट अभी समय आने पर आप लोगों को दोनों पार्टियों की तरफ से घोषित किए जाएंगे। अभी हरियाणा के अंदर मुख्य तौर पर युवा जो बेरोजगार घूम रहा है वो एक विकल्प तलाशता है। मोदी जी के जुमले को भी उसने सुनते हुए पिछली बार पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन हरियाणा के युवाओं का सपना जिस तरह से तोड़ा गया और उसके बाद जिस तरह से हरियाणा के अंदर सरकार किसानों के खिलाफ हो चाहे युवाओं के खिलाफ लगातार काम करती रही। इवन अगर आपको याद हो हरियाणा की सरकार ने कोई स्कूल और अस्पताल अपने दिखाने में डर लगता है। ऐसे में हमें भरोसा है ये गठबंधन हरियाणा के अंदर सबसे मजबूत और भविष्य का विकल्प बनकर के एक उम्मीद बनकर के खड़ा होगा और इस इलेक्शन के अंदर एक नए बदलाव की तरफ पड़ेगा। सीटों का बंटवारा कैसा रहा? मैं एक बार बताना चाहूंगा जहां 7 पे निर्णायक जनता पार्टी और 3 पर आम आदमी पार्टी में हरियाणा प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। एक चीज बड़ी अच्छी, सुबह से आप पत्रकार साथी क्यूरियस थे क्या होगा, मैं तो एक चीज बोलना चाहूंगा कि झाड़ू और चप्पल मिलकर जो बुराइयां हैं जो कांटे हैं उनको पार भी करेगी, उसको प्रदेश से बाहर भी करेगी। और ये क्योंकि अरविंद जी को मैं बड़ा भाई मानता हूँ, ये आम
और जन का गठबंधन है, जहाँ आम आदमी पार्टी का आम है वहां जननायक जनता पार्टी का जन है। और जब आम जन ये आवाज उठाएगा कि प्रदेश के अंदर बदलाव चाहिए, खास तौर पर 56% वोटर आज 45 साल की आयु से नीचे है हरियाणा प्रदेश में, वी आर द यंगेस्ट स्टेट इन द कंट्री, हमें पूरी उम्मीद है। अरविंद जी भी एक युवा मुख्यमंत्री है और वही युवा बदलाव चाहते हैं, हम मिलकर युवाओं को जहां ताकत देंगे वही एक ऐसा बदलाव लेकर आएंगे जो पूरे प्रदेश के ट्रेडिशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भविष्य की राजनीति से जोड़ेगा और प्रदेश को उन्नति और प्रगति के पथ पर ले जाने का काम करेगा। जहां सीट शेयरिंग की बात है, मैं स्पष्ट कर दूं कि इसके ऊपर हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी तय होगी है। कोऑर्डिनेशन कमेटी विद इन 48 to 72 hours जॉन सी सीट जिस पार्टी के लिए सूटेबल है उसको तय करे, मगर इस चीज पर जरूर हमारी चर्चाएं हुई है कि हम कोई एक एरिया स्पेसिफिक इलेक्शन नहीं लेंगे, हम दोनों संगठन मिलकर नॉर्थ हरियाणा हो, साउथ हरियाणा हो, सेंट्रल हरियाणा हो, उसको बैलेंस करकर एक दूसरे की मदद हो, दोनों संगठन के कार्यकर्ता मिलकर काम करें और एक ऐसा डायनेमिक परिवर्तन इस प्रदेश में लेकर आए जो ये आज के दिन हम देखते हैं कि एक फोबिया सा है कि आज बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी। आज दोनों पार्टीज की ये हालात है कि एक से तो अपने एक कैंडिडेट का नाम भी फाइनल नहीं हुआ और दूसरी इस प्रयास में है कि कांग्रेस के साथ किसी तरह का तालमेल हो जाए, गिव एंड टेक कर हिसार और रोहतक को एक दूसरे के साथ बांट लिया जाए। उस चीज को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि हमारा मेन और एकमात्र उद्देश्य यही होगा कि हरियाणा प्रदेश से बीजेपी और कांग्रेस का सूखा साफ करने का काम। ये मुख्य रूप से ये जो गठबंधन है भाई साहब, ये बीजेपी का हरियाणा से फूटा पाड़ने के लिए, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 5 साल के दौरान जातिवाद के नाम पर दंगे न्याय कराए, 100 लोगों को कम से कम गोलियों से मारा, तो बीजेपी का फूटा कांग्रेस के बस की तो पाड़ना है, तो ये गठबंधन में बीजेपी का फूटा पाड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति ये है कि कांग्रेस ही कांग्रेस की सुपारी ले रहे, अब वो बीजेपी से ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं हमने नहीं ले रहा, लेकिन ये करियर कट है कि मैं जो बीजेपी के राज में जो जातिवाद हुआ है और जिस जातिवाद की वजह से पूरे हरियाणा का भाईचारा खाया है बीजेपी ने, तो उसके लिए उसमें गोपाल जी ने दुष्यंत जी ने जैसे पहले बता दिया, जब जींद का चुनाव था तो इनके तीस मार का सुरजेवाल लड़े थे वहां जींद उपचुनाव, और आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया था और नई पार्टी जेजेपी बनी थी। तो भाई साहब ये हरियाणा के लोग भी जानते हैं कि कांग्रेस के बस की बीजेपी का फूटा पाड़ना है नहीं, और आम आदमी पार्टी और जेजेपी मिलकर मतलब झाड़ू चप्पल मिलकर बीजेपी का फूटा पाड़ेंगे और नई सरकार और युवाओं की सरकार जिसकी बात होती है, जिसकी बात है असली बात है, तो हमारे तो सारी पार्टी और सारे नए नए हैं, सारे नौजवान हैं, तो एक नई उम्मीद नया विकल्प राजनीतिक विकल्प की बात है। 10 साल कांग्रेस देखी लोगों ने, 10 साल कांग्रेस से दुखी हो गए, बीजेपी को मौका दिया था लेकिन बीजेपी वाले हरियाणा का सत्यानाश कर दिया और वो सत्यानाश करके तो भाई साहब हरियाणा का बजाना था ही, हरियाणा से बीजेपी को भगाने के लिए ये गठबंधन है और नया एक राजनीतिक विकल्प है जो मुद्दों की लड़ाई लड़ेगा, ना कि जाति धर्म क्षेत्र की लड़ाई लड़ेगा। कोई सवाल?